खीरा खीरा दो गाजरें, दो मूली और दो खीरे। सही है सब। बिब्बू इधर देखो, क्या देख रहे हो? गाड़ियां। अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है जी? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद। तो जी प्यारे बहन भाइयों, आज एक इनविटेशन थी, मुल्तान के अंदर एक बहुत ही प्यारी बहन और भाई रहते हैं, तो उन्होंने दी है हमें दावत। हाँ। तो हमने फौरन से एक्सेप्ट कर ली और वहाँ पे जी जा रहे, कब से हमें कह रहे थे तो हमने सोचा कि अब शायद ही कर लेते हैं। हमारी तरह बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। हाँ। बहुत सारे चैनल बनाए हैं, बिल्कुल हमारी तरह बहुत ज्यादा मेहनत की है और हर जगह पे गए हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि उनको जो है कामयाबी नहीं मिली। तो हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से जो है उनको अपनी तरफ से हम जाएं, शायद हमारे वसीले से शायद उनको कामयाबी मिल जाए। बाकी इज्जत जिल्लत देने वाली रब की जात है। तो चले जी, गाड़ी है तैयार और भाई भी आ चुके थे तो लेने के लिए यहाँ पे, तो चले बैठे आप, तो आप चलते हैं उनके पास। यहाँ भी हम मुल्तान मुमताज़ाबाद में मौजूद हैं, गाड़ी को पेट्रोल भी डलवाया। और तो जी अभी हाँ इन्नू बड़े वाला दे दो। तो जी अभी हम शहर में मुल्तान में घर ले रहे हैं केले और अमरूद, और उसके साथ और भी फ्रूट हैं, तो बेबो भी साथ है। बेबो आपने खाने हैं? क्या खाने हैं? हाँ अमरूद खाने हैं? नहीं खाने, क्या खाने? माल्टे? अच्छा केले खाने हैं? अच्छा तो जी केले खाएगा बेबो। यहाँ से ले रहे हैं जी किन्नू, सेब, अमरूद, केले, तो ये सारी चीज़ें ले रहे हैं। बेबो जी सामान उठा रहा है, कोई भी चीज़ मुझे नहीं देता, चाहे जितना भी वजन हो कहते मैंने उठानी है। चलो ले चलो ले चलो। हाँ भाई ढूंढने आए थे आपको? ढूंढ लिया था उन्होंने, चले गए थे वापस। हाँ भाई जा रहे हैं, हमें लेने आए थे ये मोटरसाइकिल पर, तो अभी हम इनके पीछे पीछे जाएंगे और इनके घर तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जी यहाँ पे पहुँचे हैं हम अंदर गली में, छोटे जुहेब साहब और उसके अब्बू जान जो है ना वो हमें लेके जा रहे हैं। तो जी फैमिली प्यारे बहन भाइयों, हम पहुंच चुके हैं और रुबीना सिस्टर भी हमारे साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रास्ते का नहीं पता होता। और ये रही सबा और ये कैक्षा और हाँ बेबो कहाँ गया। हम जैसे पहुँचे बेबो उनके घर में घुस गया पहले सबसे। तो ये भाई साहब खड़े हैं फियाज भाई, और उसके साथ जो है ना दूसरा हमारे छोटे मुन्ने भी हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फियाज भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? आओ जी छोटे भाई, ठीक हो आप? खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तो अभी हम जी पहुंच चुके हैं, अभी फियाज भाई लेके जा रहे हैं हमें अपने घर। सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। चलो माशाल्लाह, आ जाए आ जाए। सबके अपने अपने मोबाइल ओपन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
मैंने इनके लिए स्पेशल ये लिया है, मुझे ये लिया था असलम भाई का बेटा। सलामुद्दीन सलामुद्दीन जो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बेबो कहीं छुप गया है, पता नहीं किधर है। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं और जैसे हमारी बहन ने इस्तकबाल किया, आपने खुद देखा है, बहुत ही प्यारी बहन है हमारी। तकरीबन साल दो साल पहले ही हमारा रابطہ था और आज जो है हम उनके घर पहुंचे हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तो अभी सारे जो है माशाल्लाह इकट्ठे खड़े हैं, अभी यहाँ पे बैठते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है इनके माशाल्लाह। और बेबो को लेके क्या हुआ बेबो? चलो आप बैठो बैठो उधर बैठो, चलो उठा लो बेबो को उठा लो। चलो बेबो बैठ जाओ आप। तो जी अभी हम बैठ रहे हैं। तो जी अभी जो है वो बैठ चुके हैं, मैं भी जाके बैठता हूँ उनके साथ। एक मिनट कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम ऐसे होते रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह साले भाई के ऊपर। ओ ये सलाम अमीन, ये असलम भाई, इस तरह असलम भाई मेरे वीडियो देख रहे हो तो देखें जी ये आप ये इस्लाम दिन का इस्तकबाल हो रहा है। हां ये असलम भाई का ऐसे समझ लें मेरे लिए, ये मेरे घर में असलम भाई आ गए हैं। असलम भाई आ गए हैं माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहन की बहुत ज्यादा मोहब्बत है। ये रुबीना बहन बेटी हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी उस्ताद साहब, ये मेरे उस्ताद है जी जो मुझे यूट्यूब की दुनिया में लेकर आए। और अभी जो है वो उस्ताद मोहतरम जो है वो शगिर्द का इस्तकबाल कर रहे हैं, पहली बार ये देखा है। तो अल्लाह पाक इनको भी कामयाबी दे। तो अभी हम यहाँ पे बैठते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ना था सिस्टर बहुत अच्छी है, और साथ में ये जुहेब साहब और साथ में ये भाई साहब। आपकी की मेहरबानी है, वे तो आपको रोज याद करते हैं। सिस्टर को चाय शाय बनाओ गर्मा गर्म, सर्दी लगी है। दूध पत्ती अभी सही। हाँ प्याज भाई ने पकड़ लिया सिस्टर, आपने कामयाबी दूध पत्ती पिलाती हूँ। नहीं वो पता है क्या है फियाज भाई, आपको बात बताऊं, पानी जो है ना वो दूध में थोड़ा सा लाजमी डाला करें। अच्छा। क्योंकि जब वो पानी, हाँ पानी जब जल दूध जब उबलता है ना, मतलब वो पानी जले दूध ना जले। हाँ ये स्वाब है। तो सिस्टर माशाल्लाह बहुत सियानी सवटी है। बेबो इधर आओ, आ जाओ इधर आ जाओ। बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद बाइंदाबाद। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है बेबो जी, और इस्लामुद्दीन भी खेल रहा है माशाल्लाह। बहुत प्यारा सिस्टम इन्होंने बनाया हमारे इस्तकबाल के लिए, तो इनकी मोहब्बत के मशकूर हैं हम। रुबीना सिस्टर हमें लेके आई इधर, रास्ता दिखाती आई, हमें तो कुछ पता नहीं था। अब जी हमारे लिए मंगवाई गई हैं गाजरें, खीरे, मूलियाँ, ये देखें बेहतरीन मूलियाँ। दिखा दें कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। आज जो है ना हम इंशाल्लाह घर का सालन खाएंगे जबरदस्त, तो बहुत ही ज्यादा रूह देगा हमें ये सालन। रूह देगा मजा देगा खाने में, मजा देगा। हाँ इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जी अब बैठते हैं सिस्टर जो है ना, वो पहले हमने कहा चलें चाय जो है ना। हाँ हाँ मैंने भी सालन तैयार करके रखा। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह।
हाँ सब जो है इकट्ठे। मेरे ख्याल में आपने भी नाश्ता वगैरह नहीं किया होगा। मैंने नाश्ता तो किया है। अच्छा अभी रोटी खा। माशाल्लाह खालिस दूध की चाय जी जबरदस्त तरीके से बन रही है। अच्छा फैसल मैंने दूध लिया खालिस के, मेरे भाई और भाभी जान आ रहे हैं। हाँ सही है। चलो जी आप बैठो, चाय बन जाती है, इंशाल्लाह चाय पीते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इनसे बात होगी और बाद में खाएंगे हम इनका हाथ का बना हुआ खाना। प्यारे बहन भाइयों अभी हम उनके घर में पहुंचे खड़े हैं। जैसा कि इस्तकबाल हुआ, उनकी मोहब्बत है, तो ये बहुत हमारी पुरानी ताल्लुक वाली बहन है। तकरीबन 2-3 साल हमारा पुराना ताल्लुक है, लेकिन आज हम इनके घर पहुँचे हैं और इनके हाथ का बना खाना खाएंगे। बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, क्योंकि जब हम इनकी वीडियो देखते थे तो हम कहते थे पता नहीं ये हमें खाना कब नसीब होगा। तो आज माशाल्लाह से नसीब हो चुका है, तो इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा। तो इन सिस्टर ने इनके काफी चैनल थे, जैसे मैंने 6-7 चैनल बनाए, इन्होंने भी काफी चैनल बनाए। कोई चैनल हैक हो गया, कोई चैनल नहीं चला, कोई किसी चैनल में कोई फनी खराबी आ गई। अभी इन्होंने चैनल बनाया है फरजाना विलेज लाइव, अभी न्यू चैनल बनाया है, तकरीबन 200-250 सब्सक्राइबर हैं। तो आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट चाहिए, इनका जल्दी जल्दी जो है सब्सक्राइबर और वाट टाइम पूरा करवाएं, और ताकि ये भी जो है अपनी जिंदगी जो है वो अच्छी कर सकें। हाँ जी बिल्कुल। तो तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं मेहनत कर करके, कितने चैनल बनाए हैं, उड़ाए हैं, बहुत सारा मेहनत किया है। तो तो इनके जो चैनल की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक करें, उसमें इस सिस्टर के चैनल की लिंक है, आप उसको जरूर सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। अभी हम बाहर निकल आए हैं, बाहर जो है ना पूरी विलेज लाइफ है, जैसे हमारे इलाके में तो ये सारा चेक करें, सारा देहात ही देहात है, इधर भी देहात है, उधर भी देहात है, टोटल देहात है। हाँ वाटर चल रहा है। हाँ बोर चल रहा है जी। चलो जबरदस्त, चलो ये खेलते रहेंगे, आप आ जाओ। चलो जी अभी रास्ते में हमने लिए कुरकुरे वगैरह और चिप्स वगैरह, लेस वगैरह, ये सारी चीजें ली थी, तो यहाँ पे जो है ना सब बच्चों को दी है, चले खा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है। आप भी खा रही है, ये तो बच्चों के लिए लिए थे मैंने। आप बच्ची तो नहीं हो, बड़ी हो। आपने बताया नहीं ना भाई मुझे, तो मैं बता दे, ये सारे बच्चों के लिए हैं। अभी सिस्टर जो है वो चाय पहन रही है। हाँ, पहन रही हूं। मैंने कहा है कि सर्दी है ना, हाँ। तो पहले चाय पी लेते हैं तो बाद में। हाँ जी फ्रूट केक भी साथ है और चाय जो है ना सारी ओके हो चुकी है। मैंने भी अपनी चाय ले ली है माशाल्लाह। अब तो भर के दो अहमद भाई माशाल्लाह। नहीं नहीं फियाज भाई बहुत है, बहुत है। ये कौन सी वैसी होटल की चाय है, मोहब्बत की चाय है भाई, ये तो एक घूंट भी हो तो वो काफी है। आ जाओ आप भी पी लो चाय, बच्चों की चिप्स के पीछे पड़ गई आप। हाँ नहीं हम सिंपल लोग हैं सिस्टर, यहाँ पे सही है वो। चलो उधर आप बैठती है, उधर बैठ जाए। नहीं मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ। मैं कौन से बड़े लोगों से आई हूँ, मैं भी तो। तो जी अभी यहाँ पे बैठ के हम जो है ना पहले चाय और बिस्किट खा रहे हैं और सिस्टर के साथ बैठ के, क्योंकि उधर बैठते तो हमें खुद को अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे एक साथ बैठे हैं। चलो खुट्टी वधी चाह भी गिनसू बैठे तो नाल बैठे रस। ना ना चाह इतनी ढेर है, रोटी भी तो खावनी है ना। असलम दे पोत्र को पकड़ी तो वद्दी है बस। देखो मैं इधर बैठे तो जी, ये प्यारे फैन भैया ये असलम भाई का बेटा है, तो देखे ये माशाल्लाह बैठ गए हैं, तो अभी इसको भी चाय साथ साथ देते हैं। ये ना हो के बड़ों को खिदमत करती रहूं तो जो जो असल बड़ा बेटा है। बेबो दे दो तो बेबो जी। देखे प्यारे फैन भाइयों ये देखे मेरा छोटा सा भतीजा ये चौकड़ी उठा के दे रहा है कि भूखो आप ऐसे बैठी हो। बेबो आपने नाश्ता कर लिया? माशाल्लाह। और सबा ने भी नाश्ता कर लिया मेरे ख्याल में। हाँ मैं चाय पी रही हूँ। और रुबीना सिस्टर जो है वो माशाल्लाह उधर बैठी हैं सजावट में। नहीं सजावट में नहीं, अल्लाह माफी दे, वो पता क्या
तो पीढ़ी नहीं थी वहाँ बैठने के लिए, फिर मैं इधर आ गया। सही है, सही है, गुड वर्क। हाँ इस्लामुद्दीन, कैसा लग रहा है? किसके साथ बैठे हो? आंटी के साथ। माशाल्लाह, आंटी आपकी अच्छी है ऐसे ना, आपको बहुत ख्याल रखती है आपका। मैंने कहा कि बड़े भाई का बेटा ये न हो के ये ऐसे चला जाए। एक मिनट बेबो को देखें जी। ना डराओ ना, इधर मेरे पास ले आओ इसको, मेरे पास ले आओ। ये कैसी है, चमड़े की है? जैसे बच्चे होते वैसे ही है। नरम है? हाँ ये नरम है, ये सख्त है और ये नरम है। बहुत प्यारी है। हाँ बेबो ने पहले क्या उठा के दिया, मैंने उठा के दिया, जब मैंने फेंक दिया उसने। माशाल्लाह, अब बेबो ने उठा लिया, अब दिल बांध लिया बेबो। अब इसको ऐसे दिखाओ, दिखाओ सीधा करके दिखाओ। हाँ ऐसे, हाँ अब दिखाओ। सही है, सही है, बस ठीक हो गया। तो जी काफी बहन भाई जो हैं वो उनके कमेंट्स आते हैं कि आप पता नहीं कैसे मेहमान हैं, कि ऐसे ही आप घुस जाते हैं, मिल जाते हैं, मेहमान तो ऐसे नहीं होते। तो मैं उनको बताता चलूं कि हम मेहमान बनकर नहीं जाते, जिसके पास भी जाते हैं ठीक है, बहन भाई जैसे एक अपना घर होता है, चाहे हम जिसके पास भी जाते हैं ना, उसको हम अपना बहन भाई समझते हैं और उसको अपना घर समझते हैं। जैसे हम बातचीत करते हैं, देखें कि हम 2 साल बाद मिले हैं, अगर हम गपशप हंसी मजाक वो चीज ना करें ना, तो फिर भी इंसान का दिल खुश नहीं होता। ऐसे अगर मेहमान बनकर एक साइड पे बैठ जाएं तो क्या हम एंजॉय करेंगे, क्या हम एक दूसरे से बात करेंगे। तो इसी वजह से हम एक दूसरे से हंसी मजाक जो है ना वो करते हैं। बाकी इसमें मतलब कोई वो बदतमीजी वाली बात नहीं, कि काफी कहते हैं आप जी बदतमीजी करते हैं, जाके मतलब ऐसी बातें करते हैं। जैसे मैंने कहा सिस्टर जल्दी करें रोटी पकाएं, जल्दी करें चाय बनाएं। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि भाई खुद कह रहे हैं कि मुझे ये चीज दे, मुझे ये चीज दे। हाँ क्योंकि खाने पीने की एक तो शर्म नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो है ना जहाँ भी जाएं हंसी मजाक करें, अपना घर समझें और अगले को महसूस भी ना होने दें कि ये मेहमान है या हमारे अपने हैं। तो हम इस तरह जो है ना रहते हैं, तो किसी अगर बहन भाई को बुरा लगता है तो उसके लिए भी हम माजरा चाहते हैं। तो अभी सिस्टर देखें हमारे लिए कितनी लाल लाल गाजर बना रही है सलाद के लिए, सलाद के लिए, और साथ में ये खीरा खीरा भी। 2 गाजरें, 2 मूली और 2 खीरे। सही है, जबरदस्त है। अभी इधर बढ़िया है, वो अभी तक मैंने ये बस इतनी काफी है ना। हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितनी प्यारा और खूबसूरत जो है ना सालन बनाया सिस्टर ने। अभी जो है ना सबसे पहले अम्मी जान को देने जा रही हैं। ये रोटी इस चावल में है वो ना, मैंने कहा कि ठंडी ना हो जाए। सही है, सही है, हाँ गरम गरम खाएगी। तो जी न्यू छबियां लेके ये दिखाने आ रहा है, देखें बहुत प्यारी है। चलो दे आओ, आओ फूफो को दे आओ। फूफो को दे आओ जी। बेबो और सबा खुद रोटी लेके आ रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि उनको बेबो बहुत ज्यादा खुश है, कहते खुद उठा के जाएंगे। माशाल्लाह, आ जाओ बेबो। सिस्टर भी तकल्लुफ कर रही है हमारे लिए। कोई तकल्लुफ ही नहीं है, ये देखें ये अभी डाल के देगा कौन, ये हमारी बहन इधर तो देख। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये डोंगा खाना जबरदस्त, और यहाँ पे भी चिकन, और ये आ गई जी सलाद, ये आ गई रोटी। अब हम खाते हैं, अब हम खाते हैं और आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। जिस बहन भाइयों ने रोटी खानी है तो आके हमारे साथ बैठ के खा सकते हैं। हाँ जल्दी जल्दी आए सिस्टर के घर, सिस्टर जो है ना वो देखें अभी तैयारी में लगी हुई है। ये मैं छबी लेने गई हूँ। सही है, मैंने कहा कि सब सामान इकट्ठा करके बैठेंगे, ये ना खाना खा रहे हैं तो। हाँ क्योंकि हमने सब इकट्ठे बैठना है, फियाज भाई आपने मेरे साथ बैठना है और सिस्टर उधर बैठ गई हैं, तो सारे हमने इकट्ठे बैठ के यहाँ पे खाना खाना है। जैसे घर में बैठ के इकट्ठे सब खाते हैं खाना, वैसे ही बैठ के खाएंगे। हाँ तो जी खाना हमने खा लिया और अभी सिस्टर जो है ना वो बर्तन समेट रही है। सब हम सब ने मिलकर यहाँ पे बैठ कर जो है खाना खाया, बहुत ही मजा आया खाना खा कर, बहुत मजा आया। हाँ जी, और बेबो भी अभी बोटियां खा रहा है, चूस रहा है। रोटी कौन सी खाई है? सिर्फ बोटी खाई है। अच्छा वो क्या चीज है?
क्या खा रहे हो बेबो? बोटी खा रहे हो? चलो बताओ। जूते पहनाओ इसको, ये दूसरे, ये जूते फिर हाथ भी धुलाओ इसके, ये जूते भी टूटे हुए हैं। अच्छा, टूट जाएंगे तो फिर और लेंगे। अभी जी हाथ धोए जा रहे हैं बेबू, बहुत खुश है, हैप्पी है। देखे हाथ धोकर, मुंह तो धो लो बेटा। हाँ, मुंह भी धो लो। और इस्लामुद्दीन जो है वो अपने गुब्बारे खेल रहा है। चलो धो धो, खुद धो लो। माशाल्लाह, गलूली कर रहा है जी, कुल्ली कर रहा है। वो पानी पी जाता है। कुल्ली करने वाला पानी पी जाता है। हाँ। देखना। तो सिस्टर अभी मेरे ख्याल में बर्तन धोने आ गई है। ये बाद में धो लेना, बाद में। नहीं, ये ना चाय बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, चाय बनाती है। ना। सही है। ये थी हमारी आज की वीडियो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बहन और भाई ने हमारा जिस तरह मोहब्बत दी, हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये देखिए मेरे साथ मोहब्बतों भरा एक भालू भी आ चुका है। तो सिस्टर अभी बर्तन धो रही है, अभी चाय बनाएंगी और चाय पियेंगे। और उसके बाद रुबीना सिस्टर भी यहाँ पे बैठी हैं और माशाल्लाह भाई साहब भी खड़े हैं। परेशान तो नहीं है आप? नहीं नहीं भाई जान, बहुत खुशी हुई, यकीन करें दिल खुश हो गया। आज आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम हफ्ता इधर ही है। तो उसके बाद तो इंशाल्लाह ताला जी क्या कहते हैं उसको, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, और एक बात, इस बहन भाई को जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, इनको आपने जरूर सपोर्ट करना। तो अभी हमें दे इजाजत, मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, बाय जी, बाय।